गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स हम लोग स्टैटिक्स से रिलेटेड होंगे। स्टैटिक्स में एक टर्म आपका है, एक टर्म आपका है मीडियन। टर्म देखिए मीडियन, मीडियन को इसका हिंदी जो रूपांतरण होता है उसको हम लोग कहते हैं माध्यक या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 7 से लेकर 10th तक इससे रिलेटेड चाहे ऑब्जेक्टिव रहे, चाहे मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन रहे, चाहे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहे, आपको हर हालत में एक क्वेश्चन लगता है। तो समस्या अब ये है कि हम लोग सबसे पहले आज नॉन क्लासिफिकल डाटा पर प्रकाश डालेंगे। एक होता है क्लासिफिकल, एक होता है नॉन क्लासिफिकल। जब उस आंकड़े को अरेंजमेंट कर देते हैं क्लास में, क्लास इंटरवल में, डाटा में, टेबल में, तो उसको कहते हैं क्लासिफिकल डाटा, वर्गीकृत आंकड़ा, क्लासिफिकल डाटा वर्गीकृत आंकड़ा। आज केवल हम लोग चर्चा करेंगे नॉन क्लासिफिकल डाटा। आज केवल हम लोग चर्चा करेंगे नॉन क्लासिफिकल डाटा पर चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डाटा जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक प्राइमरी डाटा एंड एनोदर सेकेंडरी डाटा। वेन मैथमेटिशियन कलेक्ट्स बाय इटसेल्फ फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट्स, जब मैथमेटिशियन या इन्वेस्टिगेटर अपने से डाटा को इकट्ठा करता है या उसको क्रिएट करता है तो वह प्राइमरी डाटा होता है, मैंने उसकी सत्यता को उत्तरदायित ऑल वेरीफाइड स्टेटमेंट्स, क्वालिटी, प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन द मैथमेटिशियन, आफ्टर दैट डाटा इज कॉल्ड प्राइमरी। लेकिन जब वह किसी सोर्स से ले लेता है, व्हेन मैथमेटिशियन टेक्स फ्रॉम एनी सोर्स, जब वो डाटा किसी सोर्स से ले लेता है तब तो उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। उसके सत्यता का, उसके गुणवत्ता का, गलत या सही है, उसका उत्तरदायित्व इन्वेस्टिगेटर पर नहीं होता है, मैथमेटिशियन पर नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मान लिया जाए हम लोग को मीडियन पढ़ना है, मीडियन आंकड़े को एसेंडिंग या डिसेंडिंग में आप अरेंज कर दीजिए, ठीक बीच वाला मान। सबसे पहले फर्स्ट वी मस्ट अरेंज द डाटा आइदर एसेंडिंग और डिसेंडिंग। मान लिया जाए डाटा आपको दिया हुआ है 4, 0, 2, 3, 5 और मान लिया जाए आप 1। आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, न तो असेंडिंग में है न तो डिसेंडिंग में है, दीज आर कॉल्ड रॉ डाटा। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी में भी नहीं होगा तब उसको रॉ डाटा कहते हैं, और जब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में हम कन्वर्ट कर देंगे, अरेंजमेंट कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे नॉन रॉ डाटा, संसाधित आंकड़ा। ये हो गया असंसाधित आंकड़ा, रॉ डाटा। एरी को बोलते हैं, संसाधित आंकड़े को एरी कहते हैं, एरी डाटा। अगर इसको हम अरेंजमेंट कर देते हैं डिसेंडिंग या असेंडिंग में तब इसे हम कहेंगे एरी या संसाधित आंकड़ा या नॉन रॉ डाटा। तो सजाइए इसको, डेकोड कीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका एसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। दीज आर नॉन रॉ डाटा,
दीज आर नॉन रॉ डाटा, दीज आर ऑल्सो नॉन क्लासिफिकल डाटा, यह वर्गीकृत आंकड़ा है। इससे प्राय मल्टीपल च्वाइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो अंक स्तरीय प्रश्न पूछता ही है। ये प्राइमरी सेवन क्लास से ही इसका इंट्रोडक्शन, सिक्स क्लास से ही इंट्रोडक्शन आपको दिया जाता है। इसको हम मीडियन निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बोले कि विच डाटा इज सिचुएटेड इन मिड पॉइंट ऑफ गिवेन सीरीज, दिए गए सीरीज में जो ठीक बीच में है। सपोज दैट अगर आप तीन लेते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए, इधर तीन बचता है, इधर दो बचता है, यह बहुत सारी समस्या आपके पास है। अगर आपको दो लेते हैं तो इधर तीन बचता है, इधर दो बचता है, समस्या हमारे सामने बहुत विकट हो जाती है कि भाई करे से क्या करें। ठीक बीच वाला विच डाटा इज सिचुएटेड जस्ट नियर अबाउट, जस्ट लाइक मिड पॉइंट्स, ठीक जो उसके बीच में होगा, तो यहां समस्या कुछ तो गंभीर हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए कि नंबर ऑफ द डाटा इन ओड अदरवाइज इवन, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6 ओड नंबर, नंबर ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ द एस इवन नंबर, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 इज द इवन नंबर। द नंबर ऑफ द डाटा इन द फॉर्म ऑफ द इवन नंबर, तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, आप लिखेंगे मीडियन बराबर 1/2 n+1 टर्म, n/2+1 टर्म। इसके लिए अगर डाटा आपका इवेन नंबर में है, तो आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, 1/2 n/2 नंबर ऑफ द डाटा, व्हाट आर गिवेन, क्या दिया हुआ है, 6, इट इज इवेन नंबर, तो यहां लिखिए 6/2, यहां भी लिखिए 6/2, यहां भी लिखिए टर्म, 1/2, 2 से 6 में डिवाइड कीजिए, थर्ड टर्म, इसमें भी डिवाइड कीजिए, 2 3 6+1 फोर्थ टर्म, इतना तो हम निकाल लिए। अब 3 और 2 फोर्थ टर्म है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, तीसरा टर्म जो जिसको कि आपने असेंडिंग में किया है, 1 2 3, तीसरा टर्म 2 है, चौथा टर्म 1 2 3 4 3 है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 5/2, 2.5 आपका एक्चुअल मीडियन हुआ, 2.5 इसका एक्चुअल मीडियन हुआ। ये हर क्लास में रिलेटेड है, स्टैटिक्स में, स्टैटिक्स की क्या भूमिका है ये किसी अन्य दिन के टॉपिक में बताया जाएगा। अब देखिए, ये तो था इवेन, तो इवेन जैसे होगा n/6 लीजिएगा, मीडियन बराबर इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, पहला है n/2, तो n इज द नंबर ऑफ द टर्म, तो नंबर हमारा 6 था, 6/2 टर्म, 6/2+1 टर्म, यहाँ थर्ड टर्म, यहाँ फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म को काउंट किए, फोर्थ टर्म को काउंट किए, दोनों को जोड़कर उसका निकाल लिए एवरेज। अब मान लिया जाए इसी क्वेश्चन को एक डिजिट इसमें और दे दीजिए, एक डिजिट हमको और दे देना, मान लेते हैं इसमें दे दिए आपको हम 8। अब इसको तो पहले असेंडिंग में आपको करना होगा या डिसेंडिंग में करना, सेम वही प्रोसेस में आपको जाना है, 0 1 2 3 4 5 8, अब इसको काउंट कीजिए,
कि नंबर ऑफ द डाटा इज आर एक्सिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ इवेंट और गुड। एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ओड नंबर में, ये देखिए ये सिंपल ही है, इजी है, ये ओड नंबर में है, डाटा आपका ओड नंबर में। ऐसे भी आप प्रेडिकेट कर सकते हैं कि तीन को अगर लेते हैं, इधर भी बचता है तीन डाटा, इधर ही बचता है तीन डाटा, आराम से इसको आप ओरली भी कर सकते हैं, इसको ओरली भी कर सकते हैं। तो इसमें मीडियन के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन बराबर 1/2 एन प्लस वन टर्म। तो 1/2 एन का नंबर ऑफ द डाटा, डाटा आपका 7 7 प्लस 1 टर्म, 1/2 आई टर्म फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म आपको काउंट कर देना है शुरू से एनएससीएल स्टेज से 1 2 3 4 मीडियन आपका हो गया, मीडियन आपका हो गया 3। तो रियल स्टेट आज की रेट में स्टेटस का बहुत बड़ा स्कोप है, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे स्कूल हो, हर क्षेत्र में स्टेटिक्स जाकर अपने रोल को एक सही तरीके से निभा रहा है। मान लिया जाए जैसे आपको कहा जाए कि भाई ये बताइए आपके विद्यालय में 0 से 10 लाने वाले मार्क कितने बच्चे हैं, तुरंत 0 से 10 के टेबल में हम देखेंगे। इसलिए स्टैटिक्स का उपयोग बहुत व्यापक पैमाने पर हमारे विभिन्न कार्य क्षेत्रों में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप मीडियन भली भांति समझे होंगे और इस वीडियो को जरूर ही आप विजिट करेंगे, लाइक करें अथवा ना करें, सब्सक्राइब करें अथवा ना करें, लेकिन हम आपके कॉन्सेप्ट के प्रति एक अपार श्रद्धा रखते हैं, ताकि आप ही आज से 10 साल 15 साल के बाद भारत की नागौर आप लोगों के हाथ में होगी। थैंक यू वेरी मच।